आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारी जरूरत बन चुकी है। उसकी मदद के बिना ना तो हम ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं और ना ही कम टाइम में वो हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहे। जिस स्पीड से एआई की बुद्धिमत्ता बढ़ रही है उससे तो लगता है कि आने वाले कुछ सालों में एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान पाएगा या उसका जवाब हमें दे पाएगा। AI की टेक्नोलॉजी हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यानी कि टाइम मशीन बनाने में, वर्म होल्स को क्रिएट करने में या फिर स्पेस फैब्रिक को समझने में हमारी मदद कर सकती है। और ये टेक्नोलॉजी नैनो फॉर्म में कई सारी बीमारियों को भी खत्म करने के लिए सक्षम होगी। अगर आपको ये लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी सारी नॉलेज और पावर क्या हमारे लिए वरदान के बजाय अभिशाप भी हो सकती है, तो इसके बारे में हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि AI किस हद तक खतरनाक हो सकती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स की। और सच तो ये है कि अब तक AI हमारे लिए वरदान ही साबित हुई है, और इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अल्टीमेट बेनिफिट्स के बारे में, जिस पर रिसर्च भी जारी है। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं और इस चैनल को हो सके इतना शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रहे रिसर्च और बेनिफिट नंबर 1 से, जो हमें अन्य प्राणियों से बातचीत करने में मदद करेगी। क्या आपने ये कभी सोचा है कि इंसान और अन्य प्राणी आपस में कभी बातचीत कर सकेंगे या अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकेंगे? अगर नहीं सोचा है तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमने विकसित कर लिया है एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जो हमें अन्य प्राणियों के साथ वार्तालाप करने में मददगार साबित होगी। इस टेक्नोलॉजी का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट बैट्स पर यानी कि चमगादड़ पर किया गया था। प्रयोग को करने वाले इंसान का नाम था योसी योवेल, और उन्होंने ये पाया कि चमगादड़ों में एक खास किस्म की डिसिप्लिन देखी जाती है। जब वो झुंड में होते हैं तब बहुत ही डिसिप्लिन से अपना वर्तन करते हैं, और इतनी काबिलियत, इतनी कुशलता आपस में बातचीत के बिना संभवित नहीं हो सकती है। और इसलिए प्रोफेसर ने चमगादड़ों के बीच की जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है या जो भी बातचीत के माध्यम है उसे खोजने के लिए बहुत ही डीप अध्ययन किए। और इस अध्ययन में उन्होंने देखा कि जब भी चमगादड़ शिकार करने के लिए निकलते हैं तब वो अपने मुंह से एक खास किस्म की आवाज निकालते हैं। ये आवाज उनके शिकार को टकरा कर वापस चमगादड़ के पास जाती है, और इस आवाज की वेव्स के माध्यम से चमगादड़ ये अंदाजा लगा देते हैं कि उनके शिकार की स्थिति क्या है, वो किस प्रकार का है और कितनी दूर है। अगर ये शिकार बहुत ही लंबी दूरी पर है तो चमगादड़ एक समय के निश्चित अंतराल में ये आवाज निकालते हैं, और अगर शिकार बहुत ही नजदीक या गतिशील है तो वो शॉर्ट अंतराल में आवाज निकालते हैं। अब दोस्तों, ऐसे चमगादड़ों की अगर बातचीत हमें जाननी हो या उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें जानना हो तो इसके लिए तो बहुत सारा डेटा चाहिए। और दोस्तों, इस डेटा को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक छोटी सी चिप बनाई। आपको बता दें कि इस चिप में GPS ट्रैकर, माइक्रोफोन, ECG, EEG और बहुत ही छोटे कैमरे जैसी सिस्टम मौजूद थी, और इस छोटी सी चिप्स को 22 चमगादड़ों पर इंस्टॉल किया गया। और इससे जो डेटा वैज्ञानिकों को प्राप्त हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसकी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री नेशनल जियोग्राफी चैनल ने भी वर्णित की है। इस डेटा ने हमें कई इन्फॉर्मेशन से अपग्रेड किया। पहले हमें ये लगता था कि चमगादड़ लगातार 7 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं, लेकिन जब इन चिप्स से डेटा प्राप्त हुआ तो हमें मालूम हुआ कि चमगादड़ सतत बिना कोई रोक टोक 20 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा तक उड़ते रहे थे। और ये जितनी भी चिप्स जिन चमगादड़ों पर लगाई गई थी उनका आपस में कोई भी संबंध नहीं था। फिर भी इन चमगादड़ों में से एक चमगादड़ को जब शिकार के रूप में एक मेंढक मिला तब बाकी के चमगादड़ भी इस चीज को भाप गए और वहां तक पहुंच गए। इस चिप में लगे माइक्रोफोन में चमगादड़ की शिकार के पहले की आवाज और शिकार के बाद खुशी की आवाज, इन सभी आवाजों को रिकॉर्ड किया। दोनों ही आवाजों में फर्क था, और ऐसे ही डेटा कई अन्य चमगादड़ों में भी देखने को मिले। प्रोफेसर ने चमगादड़ों की ऐसी अलग अलग मोशन की करीब 15,000 आवाजों को रिकॉर्ड किया और इसका एक पूरा डेटाबेस बनाया। अब इतने बड़े डेटाबेस में से कौन सी परिस्थिति में कैसी आवाज चमगादड़ निकालते हैं ये एक इंसान के लिए जानना बहुत ही मुश्किल था। एक इंसान कभी भी इतने बड़े डेटा को इंटरप्रेटेड नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां पर हमें जरूरत पड़ी AI की। AI की मदद से हमने इस पूरे डेटा का अल्गोरिथम बनाया और इस डेटा को पूर्ण रूप से प्रोसेस करके AI ने हमें बताया कि हाँ,
चमगादड़ बोल सकते हैं। इतना ही नहीं, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं और वो नाम देकर एक दूसरे को पुकारते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें आपस में बहस भी होती है और उनमें आपस में लड़ाइयां भी होती है। अब दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक ये कोशिश कर रहे हैं कि चमगादड़ों की इस आवाज को एक भाषा के रूप में वर्णित करें और एआई के द्वारा प्रोसेस कर उनकी इन आवाजों को, जो हमारे लिए आउट ऑफ द बॉक्स ही सही लेकिन थ्रू द एआई उसे हम समझने की कोशिश करें। वैज्ञानिक ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी डेटा को और चमगादड़ की भाषा को हमारी अपनी भाषा में एआई के द्वारा ट्रांसलेट भी कर पाए। और ऐसे ही कई रिसर्च मछली और कछुए पर भी हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट नंबर 2, इससे बहुत ही जल्दी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाएगी। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक और हमारी बायोलॉजी हमारे ह्यूमन सेल के लिए जितना भी जानती थी वो हमें लगता था कि बहुत हद तक पर्याप्त है। लेकिन जब नासा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन कोष यानी कि सेल्स के अंदर सेल्स की भी भीतरी दुनिया में गोता लगाया, तब जाके हमें यह मालूम हुआ कि हम सेल्स के बारे में जितना जानते हैं, जितना पढ़े हैं और जितना समझते हैं, वो तो एक सीढ़ी का पहला स्टेप भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही हमें यह मालूम हुआ कि सेल के बारे में हम वास्तव में कुछ नहीं जानते थे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर करीब 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और ये सभी सेल्स कुछ 200 टाइप्स में विभाजित है। दुनिया में सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में पेड़ों के सेल्स की माइक्रोस्कोपिक इमेज ली थी और इस इमेज से हमने सजीवों में सेल्स के बारे में जाना। और इसके बाद वैज्ञानिकों ने सेल्स के ऊपर बहुत सारे अध्ययन किए, बहुत सारी स्टडी की और सेल्स को पूरा छान लिया। लेकिन तब तक हमने सेल्स के बारे में जितना भी जाना था वो तो बहुत ही कम था। अब दोस्तों, सेल्स को हम अपनी नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते हैं और इसीलिए हमें सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है और इसे देखने के लिए हमें इन सेल्स का सैंपल चाहिए होता है। और जब इस सैंपल को हम देखते हैं तो वो अपने होस्ट से दूर हुआ होता है, यानी कि उस सैंपल को हम एक मृत रूप में देखते हैं। तो फिर इसे हम जीवंत फॉर्म में कैसे देख सकते हैं, हम उसे अलाइव कैसे देख सकते हैं? तो बस यहाँ पर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कोष को अलाइव रूप में और उसको डिटेल में जानने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित की गई है और एआई की इस सिस्टम का नाम है म्यूजिक, यानी कि मल्टी स्केल इंटीग्रेटेड सेल। और इस प्रोग्राम में सेल का एक डिजिटल मॉडल बनाया जाता है जो सेल की डिटेल में मैपिंग करती है और इसके बाद सेल्स के भीतर हमें वो चीजें देखने को मिलती है जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यहाँ पर सेल्स का एक पूरा मॉडल तैयार होता है और इस मॉडल को हम डिटेल में देख सकते हैं। वैज्ञानिक यहाँ पर यह भी जान सकते हैं कि सेल का बिहेवियर पैटर्न कैसा है, सेल कैसे काम करता है। यहाँ पर यह देखिए, जब सबसे पहली बार किडनी के सेल्स का निरीक्षण किया गया तब किडनी के एक सेल में 70 टाइप के नए एलिमेंट्स मिले और इस नए मिलने वाले डेटा ने हमें वाकई में चौंका दिया। इसके अंदर हमने प्रोटीन पे भी अध्ययन किया जिसमें शामिल होती है आरएनए की प्रक्रिया और इसमें से हमें कई सारे ऐसे प्रोटीन्स मिले जो हम पहले से नहीं जानते थे कि ऐसे प्रोटीन्स भी किडनी में होते हैं, यानी कि उसके कोष में। और अब दोस्तों, इतने सारे डेटा हासिल करने की वजह से किडनी के अंदर की कई सारी बीमारियों को ओवरकम करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे हमारे वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हार्ट, ब्रेन, लिवर, स्टमक और ऐसे कई सारे ऑर्गन्स के कोषों का अध्ययन कर रहे हैं जिसकी वजह से हम भविष्य में कई सारे रोगों पर नियंत्रण और फतेह हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब संभव होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही मदद से। एआई का फायदा नंबर 3, हम इसे ब्रह्मांड की गहराइयों को समझ सकेंगे और ये बात एआई ने साबित की है ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर के माध्यम से। साल 2019 से पहले ब्लैक होल सिर्फ थियरी का विषय था। हम ब्लैक होल की थियरी तो जानते थे लेकिन उसकी ब्रह्मांड में कहीं मौजूदगी है या नहीं वो हमें नहीं मालूम था। लेकिन दोस्तों, साल 2019 में नासा ने ब्लैक होल की रियल तस्वीर कैच की। यह तस्वीर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के माध्यम से मिली और यह तस्वीर किसी कैमरे से नहीं लेकिन 8-8 दूरबीनों से कैप्चर की गई थी। आपको बता दे दोस्तों कि यह अत्याधुनिक टेलीस्कोप जब दूर के ब्रह्मांड का कोई डेटा हासिल करते हैं तो ये डेटा नंबर्स के फॉर्म में होता है और इस नंबर के फॉर्म को कंप्यूटर्स के द्वारा इंटरप्रिटेट किया जाता है और ये कंप्यूटर फुल्ली अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस थे। ये काम नासा की टीम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट कैटी बोमैन और उनकी टीम ने किया था। उन्होंने पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा अल्गोरिदम बनाया था जिससे ये 8 टेलीस्कोप का डेटा फिट होकर एक तस्वीर बनाए।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी दूर के एक ब्लैक होल की इमेज बनाई। दोस्तों, हमें जो पहली तस्वीर प्राप्त हुई वो थी मेसियर 87 ब्लैक होल की, और ये ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा के बाहर दूसरी गैलेक्सी में था, जो इतनी दूर था कि जिसे आसानी से कैप्चर करने के लिए, यानी कि उसकी वन इमेज क्लिक करने के लिए हमें पृथ्वी जितना बड़ा टेलीस्कोप चाहिए, और ये तो हमारे लिए नामुमकिन था। इसलिए नासा के वैज्ञानिकों की टीम ने पृथ्वी के चारों ओर 8 टेलीस्कोप रखे, और इन 8 टेलीस्कोप्स ने जो डेटा पाया उससे हमें मेसियर 87 ब्लैक होल की तस्वीर प्राप्त हुई। हालांकि टेलीस्कोप से मिलने वाले डेटा की बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तस्वीर बना पाना भी नामुमकिन था, क्योंकि इसमें इतनी दूर से आने वाली रोशनी का कई सारा डेटा मिसिंग था, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बखूबी अपनी इंटेलिजेंसी लगाकर इतनी दूर के भी ब्लैक होल की असली तस्वीर हमारे सामने पेश की। इसलिए दोस्तों, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती तो आज भी ब्लैक होल थियरी का ही विषय होता। फायदा नंबर 4, प्लास्टिक का निकास। प्लास्टिक एक मानव सर्जित पदार्थ है और बहुत ही डेंजर पदार्थ है, और ये पदार्थ आज इंसानियत के लिए सबसे बड़ी चैलेंज बन चुका है। सबसे पहले तो प्लास्टिक का उत्पादन पेट्रोलियम में से हुआ था, और आज दिन तक हम मनुष्य 9 अरब टन प्लास्टिक बना चुके हैं। और प्लास्टिक से जुड़ी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये पदार्थ आसानी से नाबूद या नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक का आयुष भी सदियों तक, यानी कि बहुत लंबा होता है, और आज के जमाने में प्लास्टिक का टोटल रिसाइकल उसकी क्वांटिटी के 10% के हिसाब से भी नहीं हो रहा है। और जितने प्लास्टिक को गर्म करके उसका रिसाइकलिंग होता भी है, उससे जो नया प्लास्टिक बनता है वो निम्न क्वालिटी का, यानी कि रबर टाइप होता है। यानी कि प्लास्टिक को जितनी भी बार रिसाइकल करेंगे उसकी क्वालिटी निम्न से निम्न घटती जाएगी। मतलब हाई क्वालिटी का प्लास्टिक फिर से कभी भी रिसाइकलिंग होके उसी क्वालिटी का नहीं हो सकता है, और इसलिए हमें हाई क्वालिटी के प्लास्टिक के लिए नया प्लास्टिक बनाना पड़ता है, और ऐसे हम इंसान एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक फ्रेंच कंपनी ने हमें इस चक्र से बाहर निकालने के लिए कुछ प्रयोग किए हैं। इस कंपनी ने कई नए रास्ते अपनाए हैं। उन्होंने प्लास्टिक की चेन को तोड़ के एक छोटी चेन को स्वरूप दिया है, जिससे पुराने प्लास्टिक का ही रिसाइकलिंग करके लगभग उसी की क्वालिटी का, यानी कि नए जैसा प्लास्टिक भी बनाया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए इस कंपनी ने एक एंजाइम का सहारा लिया है, और इस एंजाइम को वैज्ञानिकों ने एक बैक्टीरिया में खोज लिया है, और ये एंजाइम इस प्लास्टिक को खाकर उसे फिर से नए प्लास्टिक के रूप में ही परिवर्तित कर देते हैं। और ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों को जिस टूल की जरूरत पड़ेगी उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI ऐसे लाखों एंजाइम्स को खोज रही है और उसकी सीक्वेंस बना रही है, और आज तक करीब 40 से ज्यादा कंपनियां इसे पैटर्न करवाकर इस पर रिसर्च कर रही है, और अगर इसमें हमें सफलता मिलती है तो लगभग नए प्लास्टिक बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये भी कार्य AI के द्वारा सिद्ध किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, और आगे मिलते रहेंगे ऐसे ही साइंटिफिक नॉलेज के साथ, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।